पलवल हथीन स्थित राजकीय डिग्री कॉलेज में बीए प्रथम व द्वितीय, बीकॉम प्रथम व द्वितीय वर्ष की कक्षाएं लगाई जा रही हैं। इन चारों कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 181 है। कॉलेज में विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए केवल एक ही अध्यापक नियुक्त है और उसे भी सप्ताह में 3 दिन के लिए बड़ौली कॉलेज में डेप्यूटेशन पर लगाया हुआ है, जिसके चलते कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय बना हुआ है। कॉलेज में पढ़ने वाले बीकॉम द्वितीय वर्ष के छात्र उदित गर्ग व बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा पिंकी ने बताया कि जब सरकार के पास शिक्षकों की व्यवस्था नहीं थी तो फिर कॉलेज शुरू क्यों किया। आज हालात ये है कि कॉलेज में आते तो पढ़ने के लिए हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी के चलते समय व्यतीत कर वापस लौट जाते हैं। अब परीक्षाओं का समय भी नजदीक आता जा रहा है, लेकिन अभी तक कोर्स पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में वे परीक्षा में क्या करेंगे, उनकी समझ में खुद ही नहीं आ रहा है। शिक्षकों की कमी के चलते गत वर्ष का परीक्षा परिणाम भी काफी खराब रहा और इस वर्ष भी उन्हें अपनी परीक्षा की चिंता सताई जा रही है। विद्यार्थियों ने बताया है कि उनके कई विषय अधर में लटके हुए हैं। विद्यार्थियों की मांग है कि कॉलेज में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, जिससे उनकी पढ़ाई निरंतर चलती रहे। मैंने फर्स्ट ईयर से पढ़ा यहाँ पे और यहाँ पे टीचर नहीं है, सिर्फ एक सब्जेक्ट टीचर हमारे पास यहाँ पे, और जिसके कारण हमारा नुकसान हो रहा है पढ़ाई में बहुत ज़्यादा। तो जिसके कारण हमें मतलब नुकसान हो रहा है कि ये एक सब्जेक्ट को मतलब एक ही टीचर हमें एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है बार बार। पढ़ाई में इसकी शिकायत दी होगी? हाँ जी, शिकायत दी है सर। और टीचर्स होने चाहिए, क्या क्या कहते हैं? तो वो मतलब इंक्वायरी होती है सर, ऊपर टीचर नहीं आते यहाँ पे। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे कॉलेज में टीचर ना होने की वजह से बहुत समस्याएं हैं। बच्चे आते हैं और यहाँ टीचर ना होने की वजह से थोड़ी देर बाद ही उन्हें वापस जाना पड़ता है। केवल एक दो टीचर के लिए यहाँ आना पड़ता है। यहाँ पे आने के लिए साधन भी नहीं है। कौन कौन से हम लोग के लेक्चरर नहीं है यहाँ पे? हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लेक्चरर अभी भी नहीं है हमारे कॉलेज में। एक लेक्चरर है जिसका पीरियड लेने के लिए बच्चे लोकल गांवों से आते हैं परेशानियों को सामने करके। पिछले साल कैसे परीक्षा परिणाम रहे, अब क्या उम्मीद है? पिछले साल टीचर न होने की वजह से बच्चों ने काफी मेहनत करी, एक दो सब्जेक्ट में फिर भी उनका रिजल्ट बेकार रहा। क्लियर, क्या उम्मीद है, किस तरह की चिंताएं हैं आगे? आगे टीचर न होने की वजह से हमारी पढ़ाई में काफी बाधाएं आ रही हैं और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे कॉलेज में जल्द से जल्द सभी टीचरों की उम्मीद हो, सभी टीचर आए। पलवल हथीन राजकीय डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य अश्विनी गुप्ता ने बताया कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभाग से सेवानिवृत्त शिक्षण स्टाफ की मदद लेनी शुरू कर दी है। हथीन कॉलेज में मात्र राजनीति शास्त्र की व्याख्याता साक्षी सिंह की नियुक्ति है। उन्हें सप्ताह में 3 दिन के लिए बड़ौली कॉलेज में बतौर डेप्यूटेशन पर जाना पड़ता है। व्यक्तिगत प्रयास कर स्वयं कुछ पीरियड में पढ़ा रही है। वही होटल कॉलेज के स्टाफ से भी मदद ले रहे हैं, क्योंकि खुद उन्हें भी होटल के कॉलेज का अतिरिक्त चार्ज दिया हुआ है। पिछले वर्ष भी परीक्षा परिणाम ज्यादा खराब तो नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने प्रयास से काफी हद तक परीक्षा परिणाम को संभाला है। विभाग के मुख्यालय को कई बार स्थिति से अवगत कराया गया है। 4 क्लासों में हमारे कॉलेज में 181 बच्चे हैं और 181 बच्चों में हमें 5 सब्जेक्ट हमने बीए में शुरू किए हुए हैं। 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश का और हिंदी का। 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। हिंदी में हमने एक रिटायर्ड फैकल्टी को एंगेज किया है, वो क्लासेस ले रहे हैं। इंग्लिश में हमारे पास नेहरू कॉलेज से डेपुटेशन पे स्टाफ है, वो टीच कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में जुलाई में रेगुलर की अपॉइंटमेंट हुई है, उन्होंने ज्वाइन किया है और 6 डेज के लिए हमारे पास रेगुलर फैकल्टी है। लेकिन पीछे जो डेपुटेशन लिस्ट आई थी उसमें 3 दिन के लिए उनको बड़ौली कॉलेज में भेज दिया गया था। अभी हिस्ट्री में और ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हमारे पास कोई टीचर नहीं है। कॉमर्स में हमारे पास डेपुटेशन पे गवर्नमेंट कॉलेज तिगांव से एक प्रोफेसर की नियुक्ति की गई है, वो डेपुटेशन पर। पलवल से मुकेश बघेल। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।